हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चावल की पापड़ की एकदम परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके से पापड़ बनाते हैं तो पापड़ इतने अच्छे बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चावल के पापड़ की रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चावल के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी कटोरी चावल का आटा लिया हुआ है। वैसे तो मार्केट में चावल का आटा आसानी से मिल जाता है, बट अगर आप घर में चावल का आटा बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, आप हमने जो आटा लिया हुआ है इसे एक भगोने में डालेंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें दो कटोरी पानी डालेंगे। तो उसी कटोरी से हमें नाप के डालना है जिससे हमने चावल का आटा डाला हुआ है। तो ये देखिए, अच्छे से हम मिला लेंगे। पहले हम दो कटोरी पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिसके इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। अब हम इसमें पाँच कटोरी पानी और डालेंगे, यानी कि टोटल हमें सात कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है। तो बस नाप यही है, आप किसी भी बर्तन से नाप के लें, कप या कटोरी से, बस सात गुना आपको पानी डालना है। यानी एक कप के लिए आपको सात कप पानी का इस्तेमाल करना है। ढक कर के हम इसे लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये आटा थोड़ा सा फूल जाएगा। आधा घंटे हो गए हैं, एक बार हम स्पून से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से इस तरह से मिला लेना है और इतना ही पतला घोल हमें रखना है। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें जीरा या और भी चीज़ें डाल सकते हैं, मिर्च वगैरह, बट मैं इसे थोड़ा सा सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि ये पापड़ जो बनते हैं वाइट वाइट से बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे हमने गैस में रखा हुआ है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। यानी कि हमें जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता है, हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया होगा हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हुआ है। बट अभी हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो जो भी बर्तन लें, थोड़ा सा आप मोटे पेंदे का लें, ताकि नीचे चिपके नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी थिक हो गया है, बट अभी पापड़ बनाने के लिए पतला है, तो हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम परफेक्ट हमारा पक के तैयार हो गया है, थिक हो गया है काफ़ी। तो हमने गैस बंद कर दी हुई है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम पापड़ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक शीट को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है। अब हमें एक इस तरीके का स्पून लेना है और उसमें भर करके हम ये मिश्रण डालेंगे पापड़ का। तो ये देखिए, तो जितने बड़े साइज या छोटे साइज के आप पापड़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ये बैटर डालें। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो आप बड़े स्पून से या दो स्पून भी डाल सकते हैं, और डालने के बाद इसे हल्का सा बड़ा कर देना है, बहुत ज़्यादा पतले ना करें। इस तरीके से ये पापड़ एकदम ट्रांसपेरेंट बनते हैं, बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे पापड़ बना के तैयार कर लिए हुए हैं और अब हम इसे धूप में सुखा लेंगे। लगभग एक या दो दिन में ये पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दो दिन में हमारे पापड़ अच्छे से सूख के तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने ट्रांसपेरेंट हैं। अब मेरी फिंगर आपको दिख रही होगी, बहुत ही पतले पापड़ बने हैं। और जब आप इस तरीके से पापड़ बनाएंगे तो इतने सॉफ्ट बनते हैं कि ये मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो ये देखिए, अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है, अच्छा गर्म तेल होगा तभी हम इसमें ये पापड़ डालेंगे। और कलछी से इस तरीके से हल्का सा दबाएंगे और आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पापड़ जो है वो कितने अच्छे से फूल रहा है। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप एक बार पापड़ बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें कुटे हुए लाल मिर्च, जीरा डाल सकते हैं, बट मैंने इसे थोड़ा सा वाइट रहने की वजह से इसमें कुछ नहीं डाला हुआ है। और ये लीजिए, हमारे बहुत ही अच्छे पापड़ बन के तैयार हैं। तो आप भी इस बार होली में इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।